स्थानीय विद्वेष या फिर अंतर्राष्ट्रीय साजिश। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में भारत जेली स्टेटस की कैटेगरी में। आखिर क्या है अमेरिका की इस रिपोर्ट का राज? भारत और भारतीय कब समझेंगे ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश? जरा सोचिए, रुक कर शांत मन से सोचिए, मगर एक बार जरूर सोचिए। रामनवमी के दिन से लेकर अब तक बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में धार्मिक उन्माद और उपद्रव क्या सिर्फ दो समुदायों का विद्वेष मात्र है? क्या स्थानीय स्तर पर इसे सामाजिक ताने बाने की टूट के रूप में ही सिर्फ देखा जाना चाहिए, या फिर चुनावी साल से पहले का एक धार्मिक उपद्रव जिस पर राजनीति और सिर्फ राजनीति होगी? मेरे आकलन से चुनावी साल से पहले अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कई टूलकिट आएंगे, कई बवाल उठेंगे, सरकार अस्थिर हो कोई परवाह नहीं, लेकिन देश अस्थिर नहीं होना चाहिए। घर से बाहर निकलो, अपने देश के बंधुओं के साथ वो कौन है, कहां से आते हैं, कहां जन्म, कुछ विचार मत करो। कितना कमाते हैं, अमीर है कि गरीब, कुछ मत विचार करो। समाज में मेरे जैसे प्रतिष्ठित है कि ऊंचे है कि हल्के, कुछ विचार मत, वो मेरे अपने भाई है। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट जो हाल ही में लीक हुई है, जिसके मजमून के लिहाज से दुनिया को अमेरिका ने तीन कैटेगरी में बांट रखा है, सॉलिड कैटेगरी, जेल कैटेगरी और लिक्विड कैटेगरी। सॉलिड स्टेटस कैटेगरी में यूरोप और अमेरिका के वो मित्र राष्ट्र हैं जिसको वो आर्थिक और सामरिक मदद कर हमेशा मजबूती प्रदान करता रहता है। जेली कैटेगरी स्टेटस में वो राष्ट्र या देश आते हैं राजनीतिक दलों को भी एक मंच पर आकर एक साथ भारत के झंडे के नीचे खड़ा होकर इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का जवाब देना होगा।